यूपी में तो अकेला हम 80 में 80 ले लेंगे। कमांडर भाग जाएगा दूर, पखंडी लोग अब नहीं रहेंगे। जब हर सीमाएं घिरी हुई थी, आप जब प्रेजेंट में सत्ता में थे, तो 300 कुंटल RDX भारत के अंदर कैसे आई? बीजेपी वाले कह रहे हैं मैनपुरी आजमगढ़ जीतेंगे, हम कह रहे हैं हम पूरा भारत और पूरा उत्तर प्रदेश जीतेंगे। कि जिस जिस जगह EBM से वोट पड़ा है उस जगह बीजेपी जीती, जिस जगह बैलेट पेपर से चुनाव हुआ उस जगह बीजेपी हारी है। और आप जनता के प्रति काम नहीं कर रहे हो, तो भाई जब बैठाने का काम मेरा है तो हटाने का भी काम मेरा ही है। इसमें कोई और नहीं करेगा, हम ही लोग करेंगे। और 24 में ये 80 क्या है, ये 8 ले आए, बहुत बड़ी बात है, चैलेंज है। EBM गड़बड़ है, गोरखपुर का चुनाव आपने देखा, बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, जिसकी वोटिंग 3.5 लाख है, 4.5 लाख की काउंटिंग कहाँ से आ गई? नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। 2024 की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। इस वक्त मैं सपा कार्यालय के बाहर हूं और सपा का इस बार नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। आपको बताते चलें कि कल पटना में इसी के चलते विपक्षी दलों की बैठक भी है, जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी दल जुटेंगे और वो भाजपा को हराने की रणनीति बनाएंगे। हमारे साथ कुछ सपा कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ अन्य लोग मौजूद हैं। बाबा क्या नाम है आपका? हरियाली बाबा। तो हरियाली बाबा क्या होगा 24 में? 24 में हम जीतेंगे, गठबंधन सरकार बनाएगी। हाँ, किससे गठबंधन होगा आपका? तेलंगाना में मीटिंग में जितने नेता लोग आए थे देश भर के, वो लोग कल मीटिंग माने पटना में ले रहे हैं और पटना के मीटिंग फाइनल होगा और उसी पर कामकाज होगी। यहाँ यूपी में इस बार किसी से गठबंधन होगा? यूपी में तो अकेला हम 80 में 80 ले लेंगे। 80 में 80 ले लेंगे? यहाँ एकदम मंडल झकझोर रही है, मंडल कमंडल को हरा देगा इस बार। कमंडल भाग जाएगा दूर, पखंडी लोग अब नहीं रहेंगे, उनकी राजनीति नहीं दी जाएगी, मंडल वाले लोग पकड़ लेंगे। जयंत चौधरी तो जा नहीं रहे? नहीं जा रहे, वो कोई कारण से नहीं जाए होंगे, कोई परेशानी होगी, कोई निजी में फंसे होंगे। तो जयंत बाबू को साथ में लेंगे? बंधन है वही कह रहे, जयंत बाबू को साथ में लेंगे अखिलेश जी? हाँ लेंगे, वह किसानों के पुत्र है, उनके दादा ने पूरा इतिहास दिखाया है, अब उस पर आदमी चल रहा है, एकमात्र उसी से गठबंधन है, जयंत चौधरी से। आप कब से जुड़े हैं सपा से? आप कब से जुड़े हैं? हम 1990 से जुड़े हैं। आपने तो फिर नेताजी के साथ भी काम किया होगा? हाँ खूब, नेताजी के साथ खूब काम किया है, पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश खूब घूमे हैं। जब मनोहर काशीराम से गठबंधन हुआ था, तो अब इस बार किसी से गठबंधन नहीं होगा, सपा अकेले जाएगी? सपा यूपी में बस लोक दल से गठबंधन है और किसी से अभी गठबंधन नहीं। बड़ा गठबंधन का मीटिंग पटना में। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? रजनीश यादव। रजनीश जी क्या लगता है 24 में किसकी जीत होगी? देखिए 24 में ऐसा है कि प्रेजेंट में तो आपको पता ही है बीजेपी है सत्ता में, ठीक है, और प्रेजेंट में जब बीजेपी सत्ता में है तो इन लोगों ने जो उतार चढ़ाव लाए हैं जनता के प्रति, कहने का मतलब है इनकाउंटर, ठीक, फर्जी करवाए गए। जैसे झांसी का पुष्पेंद्र यादव था, उसका इनकाउंटर फर्जी हुआ, उसकी पत्नी ने इंसाफ मांगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी प्रार्थना पत्र भी लिखा, उसने काफ़ी दिनों से इंसाफ मांग रही थी लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला, एटलीस्ट लास्ट में आके उसने फांसी लगा ली, उसने भी आत्महत्या कर ली, उसे इंसाफ नहीं मिला। माफियाओं की बात करते हैं, मानता हूँ कि जो माफियाँ उनके ऊपर आपने एक्शन लिया, ठीक है, आपने जो पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी को, सन 2019 से पहले की बात है, ये जो पुलवामा हमला हुआ था जिसमें से 42 हमारे भारतीय सैनिक मारे गए थे, तो इनको हमें सिर्फ सरकार से कोई बात नहीं पूछनी है, मुझे सिर्फ ये पूछना है इस पर ED जांच और CBI जांच क्यों नहीं बिठाई गई? आखिर
जब कांग्रेस की सरकार थी अगर दो भारतीय सैनिक मारे जाते थे तो आप जो है सदन में मुद्दा उठा देती थी कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, आतंकवादी घुसते कैसे हैं जब हर सीमाएं हम लोग घेरे हुए हैं। तो मुझे सिर्फ बीजेपी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से यही पूछना है कि जब हर सीमाएं घिरी हुई थीं, आप जब प्रेजेंट में सत्ता में थे तो 300 कुंटल आरडीएक्स भारत के अंदर कैसे आई, उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता ने देख लिया है और 420 भी देख ली है कि सरकार कितनी कर रही है, वो 24 के चुनाव में जनता दिखा देगी। 80 लाइए, भाजपा हटाइए, वो 80 आएंगी, ठीक है। मैं कन्नौज लोकसभा का रहने वाला हूँ, जहाँ के अभी प्रेजेंट में बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक हैं, ठीक है। आज से मैं ये बयान जनता से कह रहा हूँ कि सुब्रत पाठक जी, बीजेपी का नामो निशान कन्नौज में नहीं मिलेगा। मैं अपनी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सुब्रत पाठक बीजेपी का नामो निशान नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात वो लोग और कह रहे हैं हमारे पास मोदी है, विपक्ष बताए विपक्ष का नेता कौन, वो किसके चेहरे पर लड़ेगी चुनाव? देखिए, अगर उनका कहना है कि हमारे पास मोदी है, ठीक है, तो हम किसी नेता के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ जनता के, किसानों के, मजदूर, दलित, पिछड़ा वर्ग, मैं हर वर्ग को लेके बात कर रहा हूँ। मेरे पास मतदाता है, मेरे पास हर वर्ग है। माननीय नेता जी किसानों के नेता थे, आज आप मुझे, मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ और मैं जनता से भी अपील कर रहा हूँ इस चीज़ की कि मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि अभी तक कौन सा ऐसा नेता हुआ है, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी का मुझे कोई एक काम गिनवा दीजिए, कोई एक काम गिनवा दीजिए, ठीक, मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी ने अच्छा काम किया। वो कह रहे हैं कि देखिए 370 का मुद्दा था, कोई हटा नहीं पाया था, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें चली गईं, हम आए, हमने 370 हटा दिया। 370 का मुद्दा हटा दिया आपने, ये कहा 370 का मुद्दा हटा दिया, बेरोजगार, इसमें रोजगार मिल गया उसे, बेरोजगार को रोजगार मिल गया, पढ़ा लिखा स्टूडेंट, आपने ये देखा होगा कि जब से बीजेपी आई है आपने चाय के ठेले देखे होंगे, जो ठेले लगाते हैं चाय के, कोई MBA पास लगा रहा है, कोई BSc पास लगा रहा है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान रोडों पे आ रहे हैं और जो अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें हक नहीं मिल रहा है भाई मेरे, उन्हें लाठियाँ मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महिलाएँ आई हुई थी हरदोई से, जो जनता दरबार में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने आए जनता दरबार में, उनकी बेटी का निर्मम हत्या की गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, हत्या की गई, लोग वहाँ पे थाने में बैठे हुए, जो हमारे पुलिसकर्मी लोग, प्रशासन है, ये इसने FIR नहीं लिखी, वो एक महीने से परेशान, जब जनता दरबार में आई माननीय जी मुख्यमंत्री जी मिले नहीं। तो भाई मुझे ये बताइए कि जब आपको हमने सत्ता में बिठाया है, ठीक, और आप जनता के प्रति काम नहीं कर रहे हो, तो भाई जब बैठाने का काम मेरा है तो हटाने का भी काम मेरा ही है, इसमें कोई और नहीं करेगा, हम ही लोग करेंगे। और 24 में ये 80 क्या है, ये 8 ले आएँ, बहुत बड़ी बात है, चैलेंज है मेरा, EVM गड़बड़ है। आप एक बात मुझे बताइए, गोरखपुर का आपने चुनाव देखा, इकाय चुनाव गोरखपुर का, इकाय चुनाव आपने देखा, बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, जिसकी वोटिंग 3.5 लाख है, 4.5 लाख की काउंटिंग कहाँ से आ गई? 3.5 लाख की जब वोटिंग है वहाँ पे, 4.5 लाख की काउंटिंग कहाँ से आ गई? चलिए वो मुद्दा भी हटाइए, ठीक। मुझे निकाय चुनाव से ये बताइए कि जिस जिस जगह EVM से वोट पड़ा है उस जगह बीजेपी जीती, जिस जगह बैलेट पेपर से चुनाव हुआ उस जगह बीजेपी हारी है। वो कहते हैं कि अगर EVM ही गड़बड़ है तो हम कर्नाटका कैसे हार गए फिर, बीजेपी वाले? भाई मेरे, एक चीज़ बताओ, किसी चीज़ के लिए आपको हर जगह से दोषारोपण किया जाए, ठीक है, तो आप तो यार जनता के लिए, जनता के दिलों में ये चीज़ की जो छवि बनी हुई है, ये शुरू से जनता, भाई मुझे ये बताइए, जब चिंगारी होगी नहीं तो धुआं कहाँ से उठेगा? जब हमारे फूस में चिंगारी होगी नहीं तो धुआं कहाँ से उठेगा? भाई जब चिंगारी होगी तभी तो धुआं उठा है। जब EVM में गड़बड़ी थी तो आपने निकाय चुनाव में ये चीज़, आप जो है मीडिया के माध्यम से, मैं बताना चाहता हूँ जनता को, निकाय चुनाव से ही निकालिए ना एजेंडा इसका। निकाय चुनाव में जितने भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं उसमें विपक्षी दल जीते हैं, बीजेपी क्यों नहीं जीती? जहाँ EVM से चुनाव वोटिंग हुई है वहाँ बीजेपी जीती है। ये एजेंडा आप लोगों ने भी देखा होगा, ये आप लोगों ने, क्या आप लोगों ने दिखाया जनता को? नहीं दिखाया, क्योंकि अगर आप लोग दिखाते तो आप लोगों का चैनल बंद हो जाता,
सुबह आप लोगों मुकदमे लग जाते हैं। सर हमारा चैनल हर आवाज़ को हर आवाज़ जनता तक पहुंचाता है, इसीलिए हम यहां पर खड़े हैं। भाई साहब आपने मैं आपकी बात आपकी जो भी कह रहे हैं हम आपकी बात भी दिखाएंगे, आप हमारा चैनल देखिएगा आपकी बात भी आएगी। चुनाव आयोग ने कहा था कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनका भी ये आरोप था कि ईवीएम हैक होगी, चुनाव आयोग ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और दिखाइए कि कैसे ईवीएम हैक होती है, तो वहाँ कोई गया नहीं, जाना चाहिए ना इन लोगों को। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि दिखाया नहीं किसी ने, जिस जापान ने ईवीएम बनाई है, जापान की टेक्नोलॉजी है, उसने टेक्नोलॉजी दे के भारत को एक जो है गिफ्ट दे दी, ठीक, उसने क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव करवा रही। अगर सरकार ये जानती है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार से दोषारोपण हो रहा है तो ईवीएम सरकार बंद क्यों नहीं कर रही, सरकार ईवीएम बंद क्यों नहीं कर रही, सरकार ईवीएम बंद करे, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। जब सरकार जानती है कि मुझे दोषी इस चीज़ में ठहराया जा रहा है, वो काम सरकार बंद क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सरकार को पता है कि दो दिन में हमें अपनी हर चीज़ का पता चल जाएगा कि मेरी किस लेवल तक औकात है। ठीक है, सरकार अगर इतना ही जनता के हित में काम कर रही होती तो निकाय चुनाव में बैलेट पेपर वाले भी चुनाव जीत लेती, क्यों नहीं जीती, ईवीएम से ही क्यों जीते गए। आपको एक प्रूफ दिखाएं, आपको ऐसे हजारों प्रूफ होंगे। अभी इंजीनियर ने क्या, चुनाव आयोग ने जब यहाँ से गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, चुनाव आयोग ने गोरखपुर वाले चुनाव में क्या जो कर लिया, गोरखपुर में जहाँ पे 3.5 लाख की वोटिंग थी, 4.5 लाख की काउंटिंग हुई है, वहाँ पे चुनाव आयोग ने क्या किया। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस है, सीधा सरकार का एजेंडा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो लाठी किसी हर किसी के हाथ में नहीं रहती, एक दिन मेरे हाथ में भी आई। कुछ और लोग भी इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? भैया बात करो, ये कार्यकर्ता पुनीत सिंह। पुनीत जी चाय कैसी बनी है पहले तो ये बताइए। एक नंबर, एक नंबर, समाजवादियों की तरह कड़क कड़क है। ये बताइए मौसम अच्छा है, राजनीतिक मौसम कैसा है? राजनीतिक मौसम में चर्चाएं गर्म है, सपा का बढ़िया चल रही है। सपा बढ़िया के लिए जो है सारे कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी नेतागण हैं सब पूरी तरह सजग हैं, हर बूथ स्तर पर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। कल विपक्षी दलों की बैठक भी है, सपा का नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार हम मैनपुरी और आजमगढ़ भी जीतेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं मैनपुरी आजमगढ़ जीतेंगे, हम कह रहे हैं हम पूरा भारत और पूरा उत्तर प्रदेश जीतेंगे। और फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री हमारे अखिलेश यादव बनेंगे माननीय नेता जी। अखिलेश यादव को इस बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज सपा कार्यालय हमने यहाँ पर लोगों से बात की, कुछ कार्यकर्ताओं से बात की और जानने की कोशिश की कि 24 की हवा किस तरफ है, और जो समाजवादी पार्टी का दावा है 80 हराओ भाजपा हटाओ, ये धरातल पे कितना सच्चा है या कितना झूठा है, अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो परिणाम ही हमें बताएंगे। इसी तरह 24 की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल लाइव यूपी न्यूज़ 24 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।